कक्षा 11वीं विविध प्रश्नावली 9 विषय गणित अध्ययन अनुक्रम तथा श्रेणी। किसी गुणवत्ता श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पांचवे पदों का योग 90 हो तो गुणवत्ता श्रेणी का सार्वानुपात ज्ञात करो। इसका हल देखेंगे। क्या मान लो कौन सी गुणवत्ता श्रेणी के गुणोत्तर श्रेणी के क्या जो पदों का सार्वानुपात है वह R है। ऐसी स्थिति में पहला पद दिया है, पहला पद बराबरी से कितना 1। अब पहला पद तो 1 है, अब हम तीसरा पद ज्ञात कर रहे हैं तो तीसरा पद यानी कि T3 बराबरी से क्या A इंटू आर रेस्ट टू 3-1। सीधी सी बात है, A का मान 1 गुणित आर, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तीसरा पद हो गया R की घात 2। और कौन सा पद, पांचवा पद मतलब T5 A इंटू आर रेस्ट टू 5-1 मीन्स 1 × r^4 मतलब r की घात 4। प्रश्न अनुसार क्या दिया है, तीसरे और पांचवे पदों का योग क्या दिया है, क्योंकि तीसरा पद धन पांचवा पद अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो योग बराबरी से कितना आता है 90। तो हमारे पास में जो तीसरा पद है वो r की घात 2, पांचवा पद है वो r की घात 4 बराबरी से 90। इसका पक्षांतर कर लेंगे तो ये ही कुछ इस प्रकार से होगा, और घात को घटते क्रम में पहले r की घात 4 फिर r की घात 2 ऋण 90 बराबरी से 0। इसको यदि वर्ग समीकरण में हम सामान्यित करने का प्रयास करें तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, क्या r की घात 4 ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करे तो 90 और जोड़े तो 1, 10r² - 9r² 10 × 90, 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1। पहली दो संख्या से क्या कामन, आर स्क्वायर को कामन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर प्लस 10, यहाँ से -9 को कामन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। यदि हम यहाँ भी आर स्क्वायर दोनों पदों से आर स्क्वायर प्लस 10 को यदि हम कामन लेते हैं तो पहले में बचेगा r² - 9 इक्वल टू 0। यदि r² + 10 इक्वल टू 0 तब r² बराबरी से ऋण 10, क्योंकि यहाँ जो r² की वैल्यू है ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती। हम जानते सार्वानुपात ऋणात्मक हुआ भी तो वर्ग करने पर धनात्मक होता, इसलिए r² बराबरी से ऋण 10 क्या संभव नहीं है। तो फिर दूसरा गुणनखंड या r² - 9 इक्वल टू 0, जब पक्षांतर करेंगे r² = 9 इसलिए r = 9 का वर्गमूल धन ऋण 3, ये मान संभव है, r का मान धन 3 या ऋण 3। अतः हमारे पास उत्तर क्या होगा, कंप्लीट हो गया, तो हम लिख सकते हैं उत्तर को, अतः क्या r अतः सार्वानुपात।
यही पूछा था हमसे। अतः सार्वानुपात आर बराबरी से धन ऋण 3। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कर धन्यवाद।